मेरे भाई कुछ मिला क्या? ताए तुम तो मुझे कुछ नहीं चाहिए बे, लेकिन मैं देख रहा हूँ तू अपनी नाक में उंगली डाल के तब से न जाने क्या ढूंढ रहा है, तो वही मैंने पूछा कि कुछ मिला क्या। ताले तेले बाप ने यहाँ कोई खदाना थुपा के लगा है क्या, तो बोल रहा है कि कुछ मिला क्या। मेरे बाप ने नहीं तो क्या तेरे बाप ने छुपा कर रखा है, जो उंगली को फावड़ा और नाक को हावड़ा बना के खजाने की खुदाई कर रहा है। ताले गली बाप की लई औलाद, मेली नाक ते दो भी खदाना निकलेगा ना उते तेले ही मुंह में थू दूंगा। ताला माल माल के मेरी खोपली का तबला बजा देता है, तुबा तुबा दिमाग का अतार बना देता है। ये ले काले लाडू मेले, आगे मैया मार दिया रे भैया। क्या हुआ सैया? ए तुम क्या बोली, फिर से बोलो। वो तेले को तैया बोली। मुझे पता है कि वो क्या बोली, इसलिए दोबारा बोलने को बोला। ए शीला तुम बोलो जरा क्या बोली थी उस समय। नहीं बोलूंगी। क्यों क्यों नहीं बोलोगी, एक बार बोली तो ठीक है, और दोबारा बोलने को बोल रहा हूँ तो बोल रही हो कि नहीं बोलोगी। अरे कैसे नहीं बोलोगी, क्यों नहीं बोलोगी? क्योंकि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। दे तो बाप पर मत दाओ। बाप मत बोल, ससुर बोल ससुर, मेरा बाप उसका ससुर है। दे तो ततुल पर मत दाओ, इस ततुल के नाती पर दाओ। अबे साले मेरी औलाद पर क्यों जा रहा है बे, मेरे ससुर का नाती मेरी औलाद होगा। अरे ओ बिना पैदा हुए औलाद के बाप, होश में बात करो नहीं तो खरगोश बनाकर सर के पास दौड़ा दूंगी। आज सर नहीं आए हैं। तो लाली मैडम के पास दौड़ा दूंगी। आज लाली मैडम भी नहीं आई है। साले चुप हो जा नहीं तो जुबान खींचकर आंख पर पट्टी बांध दूंगी। सच में तल नहीं आए हैं? तब तो आज क्लास में मजा आएगा। तुम भी चुप रहो नहीं तो जुबान खींचकर मुंह पर मास्क बांधूंगी। अली ओ तिला, क्या है? तेली दवानी बाली मस्त है। साले बेसुरे कौवे, अगली बार मेरी शीला को छेड़ा तो तेरा कौवा उड़ तोता उड़ टमाटर उड़ कर दूंगा। ताले तौवा उल्टा है ठीक है, तोता उल्टा है वो भी ठीक है, लेकिन टमाटर तेला बाप बुलाएगा। ओ हेलो राजू और बबलू सुनो। बोलो मेरी जान। ये जो लड्डू पीछे सो रहा है उसको उठाओ। लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है, वो उठेगा कैसे? उठाओ तो सही। तो क्या बोल रहा है बबलू, इस कुंभकर्ण को जगाया जाए? एक तलपते तू दगा, दूसरी तलपते मैं दगाता हूँ। लड्डू 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 लड्डू। अरे कौन है जो इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? अबे तेरी खोपड़ी खटखटाई जा रही है तब से, क्यों जगा दिया मुझे, क्या काम है? मेम साहब कुछ बोल रही हैं। कौन मेम साहब? शीला मेम साहब। ओ लड्डू कौवा उड़ कबूतर उड़ खेलोगे? अरे जब वो उड़ ही जाएंगे तो मैं खेलूंगा कैसे? अबे लुल्ली प्रसाद कभी कौवा नहीं उड़ाए हो क्या किसी की खोपड़ी पे? नहीं तो चलो आज उड़ाना सिखाता हूँ। लेकिन रुको, उससे पहले मुझे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना है। क्या? यही कि पढ़ने लिखने में होशियार बच्चों के लिए अन अकेडमी लेकर आया है एक मस्त स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट? हाँ, 7वीं से 12वीं कक्षा और IIT G, NEET UG ड्रॉपर्स के बच्चों के लिए अन अकेडमी प्रोडिजी टेस्ट करवाने वाली है, जो कि 1 घंटे का होगा। अता तो स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा? 20 लाख रुपए तक की फ्री ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन, वो भी पूरी लाइफ के लिए। और यही नहीं, अगर टॉप आ गए तो 10 करोड़ तक की प्राइजेस भी मिलेंगी, जैसे कि मैकबुक, आईपैड, आईफोन और अमेजन डॉट। और तो और, टेस्ट के बाद इंडिया के टॉप टीचर्स के द्वारा डिटेल्ड स्कोर बोर्ड और वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तब तो ये प्राइज मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती हूँ। तब तो मेला कोई तांती नहीं है, मेली तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मैं टेस्ट कैसे दे पाऊंगा? अबे तोतले तू फिकर क्यों करता है, अन अकेडमी का यह स्कॉलरशिप टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। अरे वाह, तब
तो मैं भी टेस्ट में भाग लूंगा। लेकिन ये टेस्ट है कब? 23 जनवरी, 29 जनवरी, 6 फरवरी और 13 फरवरी को। और हाँ, 15 जनवरी से ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाने वाले हैं। तब तो मैं आज से ही इसकी तैयारी में लग जाती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्रोडिजी रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाइए और हमारे कोड MSGT10 को यूज करके आप भी एनरोल कीजिए अन अकेडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए और जीतिए 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और एक से बढ़कर एक एक्साइटिंग प्राइजेस। देखो, ये खेल ऐसा है कि मैं एक एक करके नाम लूंगा, पक्षी, जानवर, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, दरिया, सागर, हेन तेन, अलाय, बक्कड़, कुछ भी। अगर उड़ने वाले का नाम लूंगा तो हाथ उठाना है, और नहीं उड़ने वाले का नाम लूंगा तो हाथ नहीं उठाना है, और अगर उड़ने वाले के नाम पर हाथ नहीं उठाया तो फिर उसकी खोपड़ी पर हम उड़ने वाले को उड़ाएंगे। कैसे? ऐसे। और अगर नहीं उड़ने वाले पर हाथ उठाया तो उसकी खोपड़ी पर भी हम हाथ की सफाई दिखाएंगे। कहते ऐसे। अगर कुछ ऐसा होगा जो उड़ने वाला हो मगर उड़ता नहीं हो तो? अरे वो पापा की परी, तू ही है एक जो उड़ने वाली है मगर उड़ती नहीं है। अब तो उड़े या ना उड़े, तेरे को तो कुछ कर नहीं सकते है ना, वरना तू तो हमें उड़ा देगी। मुंह बंद कर और खेल चालू कर। हाँ, तो अब खेल चालू करते हैं। कौवा उड़, उड़। कोयल उड़, उड़। शेर उड़, उड़। साले, शेर के पिछवाड़े में रॉकेट लगा हुआ है क्या जो उड़ेगा? कुत्ते धुंध में आते हैं लेकिन तेल अकेला आता है। अरे मार दिया ले, कुत्तों ने धुंध बना के तेल को मार दिया ले। साले तोतले, शेर अकेला आए या झुंड में, उसके खानदान में आज तक कोई नहीं उड़ा होगा और तू उसे उड़ाने चला था। गलती से मिट्टे खो दई मेरी भाई। चलो फिर से उड़ाते हैं। झुंड वाले कुत्ते उड़। क्या है, मैंने किसी कुत्ते को नहीं उड़ाया, मैं अपना टकला तैला ला हूँ। साले, चीटिंग नहीं चलेगी, तेरा हाथ ऊपर है, तेरा तबला बजेगा ही बजेगा। आप कुत्तों आओ, एक एक कल के आओ और तेल के टकले पर तबला बजाओ। अब यही लग गया बाकी, आओ चलो। अरे मम्मी ले, अरे पापा ले, अरे ताता ले, अरे ताती ले, अरे मत मारो। अरे बस करो, कितना मारोगे बेचारे को, मारना छोड़ो और खेल को आगे बढ़ाओ। अब मैं खेल को आगे बढ़ाऊंगा, मैं उलाऊंगा। इतना मार खाने के बाद भी उड़ाने की इच्छा खत्म नहीं हुई है क्या तुम्हारी? ओ कुंभकर्ण, केल पल धान दो। चलो तब स्टार्ट करो। तितली उल, उड़। तिलिया उल, उड़। पापा की पली उल, उड़। ताले, तेला बाप पापा की पली को उलाएगा, लेकिन परी तो उड़ती है ना। लेकिन पापा की पली नहीं उलती है। क्यों? क्योंकि पापा की पली तो मैं भी हूँ और मैं उड़ती हूँ क्या? नहीं। तो अब? अब क्या? मारो साले को। आगे मैया, आई। अरे साले, पापा की पली उलती है, तेरा बाप उलाएगा पापा की पली को। अरे 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 छोड़ दो मुझे। दोस्तों, इन लोगों ने तो मेरा बैंड बजा दिया, लेकिन आप अगर 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और एक से बढ़कर एक एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्रोडिजी रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाइए और हमारे कोड MSGT10 को यूज करके आप भी एनरोल कर लीजिए अन अकेडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। हाँ, बहुत मारा रे इन लोगों ने मिलकर मुझे।